एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आज मोदी सर ने कहा है कि 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए, टॉर्च, कैंडल, कुछ भी जो भी अवेलेबल है, या सेलफोन की लाइट, वो जलाना है। तो कौन कौन ये कर रहा है? मे बी 90% लोग तो करेंगे, 10% होंगे कुछ मूर्ख जो नहीं करेंगे, कुछ जो टिप्पणियां करेंगे, भी उनकी अपनी सोच है। क्योंकि ये इससे कोई कोरोना भाग नहीं रहा है, इससे हम लोगों की एकजुट होने की जो मतलब एकजुट है हम लोग, ये चीज़ दिखेगी सबको। और इंडिया हमेशा अपने एक अलग अंदाज के लिए पूरे वर्ल्ड में मशहूर रहा है, जैसे अपना अपनी संस्कृति, योगा, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र यंत्र, है ना, ऐसी चीज़ें जो हैं वो इंडिया में ही हैं स्पेशली। और कुछ जैसे कि योगा, आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ, ये सब जो है हमारे भारत की देन है। तो अभी भी भारत के ऊपर ही सबकी नज़रें हैं। और मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ में फेथ करते हो कि नहीं, बट मैं करती हूँ फेथ कि नास्ट्रेद्रमन ने ये भविष्यवाणी की थी, और मैंने ये 3 साल पहले सुनी थी, पढ़ी थी मतलब कहीं किसी न्यूज़पेपर में। उसके बाद यूट्यूब पे भी सर्च किया था, तो था ये कि चीन एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगा और अमेरिका और इंडिया मिलके उसको हराएंगे। वेल, अभी तो सब कोरोना से पस्त हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका और इंडिया जो है एक होके लड़ने का सोच रहे हैं। जैसे कि कल की उसमें आया, तो मेरे दिमाग में फट से ये बात है कि अरे ये तो वो वाली भविष्यवाणी जैसे है कि सच हो रही है कि चीन एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगा और उसको हराना जो है मुश्किल हो जाएगा, और फिर अमेरिका और इंडिया मिलकर चीन को हराएंगे। तो ये कोरोना के लिए नहीं है, इसके बाद जो चीन के आने वाले हालात है कि वो बहुत ज़्यादा और चीज़ें का, कई तरह के हथियार या और चीज़ों में आगे निकल जाएगा काफ़ी, उसके बाद इंडिया और अमेरिका मिलकर हराएंगे। तो अभी भी अमेरिका और इंडिया जो है वो एक होकर ही जो है मतलब कोरोना को हराने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कल ऐसा मैंने न्यूज़ में सुना कि हाथ मिलाया उन्होंने। वैसे भी हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ही संबंध रहे हैं हमारे देश के, और जो भी हमारे पीएम वगैरह आए हैं उनके। तो वेल, मैं अपनी दीपावली की तैयारी दिखाती हूँ आप लोगों को। 9 बजे 9 मिनट के लिए 9 ही दिए मैंने प्रिपेयर किए हैं, मम्मा ने उनमें तेल डाल दिया है, मैंने बाती लगा ली थी पहले ही। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और एग्जैक्ट 9 बजे मैं ये पोस्ट कर दूँगी वीडियो, और मैं 9 बजे से 2-4 मिनट पहले ही जला लूँगी। और जब तक तेल रहेगा ये जलते रहेंगे, 9 मिनट के लिए नहीं, जलते ही रहेंगे ये, मैं इनको बुझाऊँगी नहीं। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। मम्मा तो किचन में है, तो दिखाती हूँ मैं, किचन में ही तैयारी कर रखी है। किचन हॉश पॉश हुआ पड़ा, भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता बहुत ज़्यादा सफाई कर, कोई नहीं इसको। तो ये 9 दिए किए हैं तैयार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास तब के पड़े थे दिवाली के, और भी पड़े हुए हैं, पूजा में भी हम लोग यूज़ करते हैं। दिवाली के तो थोड़े से थे, उसके बाद मैं लाई थी 100 दिए पूजा के लिए, तो उसमें से भी हैं ये। तो ये मम्मा ने कर दिए हैं प्रिपेयर, और बस अब हम लोग जला देंगे इसको, और जलाने के बाद बरामदे में बाहर लगाऊंगी मैं। अभी तो बाहर की लाइट जल रही है, ये वाली बड़ी वाली लाइट जल रही है ना, और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, जो मॉर्निंग में आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे जिनमें मैं मॉर्निंग का दिखाती हूँ, तो कितना अभी अंधेरा है, क्योंकि ये गाँव है, दूर दूर लाइटें दिखेंगी आपको, है ना, और बाद में ये भी बुझ जाएंगी। और फिर 9 बजे देखती हूँ मैं अपने गांव का नज़ारा कैसा होगा। फ़िलहाल मैं आपको अपने बरामदे का दिखाऊंगी उस टाइम, ठीक है, कि कैसा है। तो ये दिए जलाना शुरू कर दिया है मम्मा ने, क्योंकि 9 बजने को सिर्फ 2-3 मिनट रह गए हैं, और मम्मा ने जला दिए। तो बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं कि हम भी जलाएंगे, या हम भी बाहर मतलब प्लेस करेंगे दिया जहाँ जहाँ रखना है। तो चीकू भी ज़िद कर रहा है, लेकिन चीकू को जलाना तो आता नहीं है, तो अब जलवाएंगे उससे भी दिया, क्योंकि अब जो हम काम करते हैं बच्चे देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें भी करना है, ये है वो है, लाइक तो अच्छी बात है, चलो दिए जलाना। और मम्मा ने क्वेश्चन किया चीकू से कि आज क्या है चीकू, सबने पटाखे भी चलाना शुरू कर दिए। तो चीकू ने कहा कि ये जंग है, दिवाली नहीं है, क्योंकि चीकू भी मेरे साथ न्यूज़ सुन रहा है इतने दिन से, तो उसको सब कुछ पता चल गया है। तो चलिए हमारे दिए जल गए, अब इन्हें हम ले जाएंगे बरामदे में प्लेस करने, जहाँ जहाँ हमने रखने हैं। और वैसे भी मैं हिमाचल के गांव में रहती हूँ, तो मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ, तो इतना अच्छा सा मतलब आपको मैं कैप्चर करके दिखा नहीं पाऊँगी, अंधेरा सही आएगा।
बिना लाइट के, क्योंकि जैसे हम बाहर निकलेंगे लाइटें हैं, स्विच ऑफ सारा कर देंगे, घर का लाइट पूरी बंद कर देंगे, तो जैसा भी दिखेगा यार प्लीज़। मैंने कोशिश की है इसे, आप प्लीज़ लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। और आप लोगों ने कैसे किया है, कईयों ने टॉर्च जलाई है, कईयों ने कैंडल्स, कईयों ने तो पटाखे ही छुड़ा दिए हैं, तो आप लोग भी मुझे बताना। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनूज कॉर्नर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप मुझे अपनी पिक्स टैग कर सकते हैं। फेसबुक पे कनू राणा के नाम से हूँ मैं, वहाँ पे आप मुझे टैग कर सकते हैं पिक, कनू राणा हिमाचल डाल करके, और वहाँ पे आपको मेरी चॉइसेस और मेरी प्रोफाइल पिक देखने को मिल जाएगी। वेल, ये कर दिए हमने सारे दिए प्लेस, बत्तियाँ पूरी बंद हैं, 9 बज चुके हैं, और आसपास का ऊपर छत से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि छत से दिखेगा भी नहीं, और छत पे जाके मैंने अपनी जो है फ़ोन की लाइट जलाई। तो अंधेरे में गाइस ऐसी ही वीडियो आएगी, 9 दिए हमने जला दिए हैं। और वैसे मेरे चाचा जी अभी एक्सपायर हुए थे दिसंबर में, बट ये कोई त्यौहार नहीं है, हमने होली और लोहड़ी नहीं मनाई थी, तो ये तो खैर हमारी एकजुटता है, हमारी हमारा गठबंधन है अपने देश के साथ, एक संगठन की तरह हम पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जला रहे हैं, जो भी जला रहे होंगे, तो हम सब एकता अपनी दिखाने के लिए और कोरोना को भगाने के लिए और आने वाली हर मुसीबत, कोरोना ही नहीं आने वाली हर मुसीबत से लड़ने के लिए अपना जोश दिखा रहे हैं कि हाँ हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हम जीतेंगे। तो मैंने 9 दिए जो है मैंने और मम्मा ने जला दिए हैं, एक एक दिया बच्चों ने भी रखा है, बहुत खुश हैं वो लोग भी। तो होप आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा, और आप सब भी हमेशा 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 अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, जो भी सुन रहे हैं होंगे नो डाउट, लेकिन 100 में से 1 ऐसा भी होगा जो अपने देश से प्यार नहीं करता होगा। तो प्लीज आप सब, हम सबको अपने देश के प्रति उतना ही ईमानदार, उतना ही प्यार होना चाहिए जितना अपनी माँ के प्रति होता है। तो मैं इसके साथ अपना व्लॉग खत्म करती हूँ। होप आप लोगों को आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा, जिसमें मैंने सिर्फ मोदी सर की बात को ही दिखाया है। तो बाकी यही है, आप सब समझदार हैं, घर में रहें, रूखी सूखी जैसी भी खाएं लेकिन अपने घर में रहें। 14 तारीख की नहीं, कम से कम अप्रैल महीना घर में ही काटें, बहुत इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना अभी फैल ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो अंधेरे में ऐसा ही वीडियो बनेगा, होप आप लोगों को फिर से कह रही हूँ पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।